समय का पहिया ऐसा चल रहा है जहां बदमाशों के साथ पुलिस की दबंगई के हौसले भी बुलंद हैं। जी हां, एक मामला हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पुलिस महकमे में ढिलाई के कारण एक शख्स हरि प्रसाद मीणा को जहर खाकर अपनी लीला समाप्त करनी पड़ी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का है जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। हरि प्रसाद मीणा ने 2 साल पहले फर्नीचर की दुकान के लिए रिटायर्ड दरोगा अशोक कुमार और राजीव सक्सेना से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन क्या पता था कि उधार लेना इतना महंगा पड़ जाएगा। हरि प्रसाद 4 लाख रुपए उधार के ब्याज का रकम चुका दिए थे, मगर फिर भी ब्याजखोर अशोक कुमार और राजीव सक्सेना आए दिन हरि प्रसाद को परेशान करते और जबरदस्ती उसका मकान अपने नाम लिखवा लेते। फिर उसके बाद हरि प्रसाद के घर वालों को रोज मकान खाली करने और जान से मारने की धमकियां दिया करते, जिसे परेशान होकर हरि प्रसाद डिप्रेशन में आ गया था। फिर क्या था, जब जनता परेशान होती है तो पुलिस के पास आस लेकर जाती है, लेकिन हरि प्रसाद की ये उम्मीद भी खाली रही। अधिकारियों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गया था हरि प्रसाद, लेकिन पुलिस विभाग आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को नहीं थे तैयार, जिसकी वजह से परेशान होकर एसएसपी ऑफिस के सामने जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। सूचना मिलते ही एसएसपी ऑफिस में अधिकारियों के होश उड़ गए। जहर खाने के बाद हरि प्रसाद के द्वारा उठाए गए कदम से पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अशोक कुमार सक्सेना और राजीव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 बजे काफी संख्या में पत्रकारों द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम हरि प्रसाद मीणा था, उसको लेकर के पुलिस अधीक्षक गार्मी के कार्यालय में आए और उनके द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति आत्महत्या करने की बात कर रहा है और ये 2 लोगों द्वारा प्रताड़ित है। उन दोनों के नाम भी बताए गए, साथ ही साथ तत्काल इसकी जमा तलाशी ली गई, जिसमें 2 सील पैकेट मिले जो जहरीले पदार्थ के थे और साथ ही साथ एक पहले से तैयार किया हुआ सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने अपनी बात लिखी थी और 2 लोगों के द्वारा पैसे की लेन देन को लेकर प्रताड़ित किए जाने की बात उसमें कही गई थी। तत्काल उसकी समस्या के निवारण हेतु एसपी रूरल द्वारा निर्देशित किया गया संबंधित थाने को और बुला के इनको ले जाने के लिए कहा गया और इनकी जो शिकायत है उसका शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। रास्ते में हरि प्रसाद की तबीयत बिगड़ी और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो पुलिस कार्यालय आए उसके पूर्व ही उन्होंने ऐसे पदार्थ का सेवन कर लिया था, क्योंकि गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको चिकित्सकीय उपचार के लिए ले गया गया और जहां पर उनको फिर हायर सेंटर रेफर किया गया और इलाज के दौरान शाम में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करके जिन 2 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही साथ आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस मामले में कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन इस बात को नहीं झुठला सकती कि उसके विभाग की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अगर समय रहते मामले में कार्रवाई की होती तो आज एक जिंदगी यूं न रुसवा होकर मौत को गले लगाती। बरेली से एनडीटीवी भारत के लिए सोनू अंसारी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।